और टाइम्स डाउन अब भारत पर राजनाथ सिंह एक्सक्लूसिव आरक्षण संविधान बदलने के सवाल पर खुलकर बात करते हुए नजर आए राजनाथ सिंह। लखनऊ से पर्चा भर चुके हैं राजनाथ सिंह। कल सर आपने लखनऊ में नामांकन किया, हमने देखा एक विशाल जनसमूह था उस रोड शो में, आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? ये अटल जी की जो है विरासत रही है? नहीं, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल होगी, मेरा पक्का विश्वास है। चर्चा बहुत है आजकल एक आरक्षण को लेकर, एक वीडियो वायरल कर दिया गया गृह मंत्री जी का, हालांकि अब उस पर जो है कर्नाटका के सीएम को नोटिस दे दिया गया है। नोटिस दी गई है। मैं समझता हूँ किसी की बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, किसी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। अब उसकी जांच हो रही है, पुलिस जांच कर रही है। स्टैंड क्या है आरक्षण को लेकर बीजेपी? नहीं, स्टैंड का आरक्षण है, रहेगा। वो कह रहे हैं कि आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक आरक्षण रहेगा। कह रहे हैं कि आप लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं, 400 पार आएगा तो आप संविधान बदल देंगे। प्रश्न ही नहीं खड़ा होता संविधान बदलने का है। जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करनी चाहिए, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करने की कुवत होनी चाहिए। वह मैं समझता हूं विपक्ष वह कुवत खो चुका है। सूरत में एक बदलाव हमने देखा, कल इंदौर में भी आया कि जो वहां के कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन्होंने नामांकन वापस ले लिया कांति सम्भम ने। ये क्या हो रहा है देश में चुनाव समय में? नहीं, लड़ना नहीं चाहती पार्टी? नहीं, देखिए इसके पहले भी यहां तक मुझे जानकारी है लगभग 30-35 या 40 बार ऐसा हो चुका है कि निर्विरोध लोग सांसद चुने गए हैं, और जानकारी जो मुझे है उसमें लगभग 20 बार कांग्रेस के सांसद निर्विरोध इस देश में जीते हैं, और इस बार यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति निर्विरोध जीत गया तो उसको लेकर हंगामा खड़ा किया जा रहा है। राहुल और प्रियंका को लेकर बड़े सवाल हो रहे हैं, कह रहे कि अमेठी से चुनाव लड़ना है लेकिन अभी कन्फ्यूजन है, अभी क्लियर सेट नहीं हो पा रही कुछ भी। नहीं, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनका कन्फ्यूजन दूर हो और चुनाव लड़े। तो अब चाहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका जी रायबरेली से आए? फैसला तो कांग्रेस के हाथों में है, लेकिन लड़ना चाहते हैं तो लड़े, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।